हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम एम्बोस पेंटिंग करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे कि ये हम कहाँ से खरीदें। फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये एम्बोस पेंटिंग का पैक है जो कि मैंने अमेजोन से लिया था। वन ऑर्डर में मुझे ये दो पैक, फोर पैक और बहुत सारे थे, थ्री पैक। आपको जो पसंद हो उतने पीस वाले पैक थे वो आप ले सकते हैं अमेजोन से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप अपने चॉइस से डिज़ाइन दिए रहते हैं कि कौन से पैक में कौन कौन से डिज़ाइन हैं वो आप अपनी पसंद से सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये शक्ति का एम्बोस ग्लिटर पेंटिंग है। आप ध्यान से खरीदिएगा और यदि आप चाहते हैं यही पैक खरीदना तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके अंदर क्या है। जब हम दो पैक खरीदेंगे तो उसके साथ हमें ये दो ब्रश मिलेगा और ये कलर है इसके अंदर। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से पैक किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर ग्लास ग्लास में कलर है हमारा, इसलिए ये इस तरह से पैक करके आया है, देख सकते हैं आप। और ये हमारा डिज़ाइन है। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही फेमस डिज़ाइन है। अभी मैं आपको दूसरा दिखाऊंगी। ये इसमें दो पीस जो मुझे मिले थे, ये पहला पीस है और दूसरा पीस का डिज़ाइन कैसा है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। देख सकते हैं ये मेरा दूसरा पीस है। और ये इसके अंदर कलर कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से डब्बे में पैक आएगा आपका कलर और ये पूरी तरह से सेलो टेप से पैक रहता है और इसके बहुत ही काफ़ी छोटे छोटे डब्बे हैं और इसमें आपको 7 कलर मिलेंगे। देख सकते हैं, सेवन कलर है ये। ये आपको कलर मिलेंगे। चलिए फ्रेंड, तो अब इसे हम बनाते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं, ये इस तरह से हमारा पूरा पिक्चर बन के आएगा। अभी हम इसमें कलर करेंगे। सबसे पहले हम ड्रेस बनाते हैं, ड्रेस में कलर करते हैं, इस तरह से करना है। इस तरह से कलर ले लेके आपको इसमें फिल करना है। इसमें आपको कुछ नया डिजाइन नहीं करना है, बस आपको कलर पता चलना चाहिए कि किस जगह पे मुझे कौन सा कलर डालना है ताकि अच्छा लगे हमारा ये पूरा सीनरी। आपको जो कलर पसंद हो आप अपने हिसाब से इसमें कलर फिल कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरा कलर फिल कर लेंगे। देखते हैं क्या होता है, विंडो का जो बनने का टाइम है तो नहीं।
इसमें आप चाहेंगे तो दो कलर मिक्स कर सकते हैं और मिक्स करके भी कर सकते हैं, या फिर आप एक सिंगल कलर ही रहने दें। मैं अभी एक ही कलर से कर रही हूँ और मैं आपको मिक्स करके बताऊँगी किस तरह से मिक्स कर सकते हैं। यदि आप इसमें रेड का थोड़ा सा शेड डालना चाहते हैं तो रेड कलर ले, देखिए ये रेड है। हम पूरा इसे रेड नहीं करेंगे, बस हल्का सा शेड देंगे इसमें। अभी हम इसमें ब्लू कलर डालेंगे नीचे स्कर्ट में। हमारे किनारे साइड के डिज़ाइन होते हैं उनमें पहले कर लेना चाहिए, ताकि हम यदि जल्दी जल्दी कलर करें तो हमारा ख़राब नहीं हो, कहीं से एक्स्ट्रा कलर बाहर ना निकल जाए। इसलिए जो भी साइड के डिज़ाइन होते हैं उनमें पहले कलर कर लेना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से, उसके बाद हम इस तरह से कलर कर सकते हैं। इस तरह से पूरे में कलर हम फिल कर लेंगे। देख सकते हैं यदि हम कलर मिक्स करना है तो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर का यूज कर रही हूँ, नीचे मैं ऑरेंज लगा रही हूँ और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। बिल्कुल इसी तरह से आपको लगाना है। नीचे से हम पूरी अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे ताकि बाहर हमारा कलर नहीं जाए। हम ब्रश को साफ करेंगे इसमें जो भी कलर है, फिर मिक्स करेंगे।
कलर को इस तरह से मिक्स करेंगे कि पता ना चले कि हमारा कलर कहाँ से मिक्स हुआ है, तभी अच्छा लगेगा। यदि पता चलेगा कि ब्रश हमारा कहाँ है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, देख सकते हैं। ब्रश को साफ कर ले, जब लगे कि दूसरा कलर आ रहा है तो हम ब्रश को साफ कर लेंगे और फिर ब्रश करें। देख सकते हैं इस तरह से। अभी हम नीचे लगाएंगे येलो कलर और हल्का सा रेड उसमें मिक्स, हल्का सा लाइनिंग देंगे रेड का, क्योंकि हमारे ऊपर टॉप में येलो हमने यूज किया है इसलिए हम यहाँ पे येलो देंगे। हम रेड कलर लेंगे और हल्का सा एक लाइन देंगे पतला सा, और फिर ब्रश को साफ करेंगे। इस तरह से हम कर लेंगे, हम तलवार में कलर भरेंगे। ये कवर के अंदर है, इसमें हम हल्का सा ब्लू कलर डालेंगे ताकि ये और थोड़ा डार्क हो जाए, क्योंकि पूरी तरह से रेड अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, आप चाहें तो एक कलर भी रख सकते हैं। मैं बस आपको मिक्स करने के लिए बता रही हूँ किस तरह से कलर को मिक्स करके अलग कलर बना सकते हैं। अभी हम कैमल में कलर फिल करेंगे, ये हमारा जो कलर है ये हम डालेंगे कैमल में। हम
बस इस तरह से फिल करना है। इसमें कुछ हम शेडिंग नहीं डालेंगे कैमल में, क्योंकि इसे डेकोरेट करना है अलग अलग कलर से, तो हम इस तरह से फिल करते जाएंगे। हम देख सकते हैं आराम आराम से, धीरे धीरे हम इसी तरह से कलर फिल करते जाएंगे। देख सकते हैं हमने अभी इसके पूरे बॉडी पे कलर कर लिया है, अब हम इसके फेस में कलर करेंगे। आई में हम कलर फिल नहीं करेंगे, उसको बचा के, ताकि हम उसमें ब्लैक और वाइट अलग से डाल सकें। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। इस तरह से हम कलर लेके कभी भी ब्रश को हल्के हाथों से चलाएं, तभी आपका लाइन अच्छा होगा, नहीं तो आप दबा के यदि कलर करेंगे तो आपका कलर फैल जाएगा और अच्छा नहीं होगा। हमेशा लाइन जो भी हम खींचते हैं वो हल्के हाथों से खींचते हैं, ताकि हमारा कलर इधर उधर ना जाए और अच्छा हो।
इसमें कलर करने के लिए आप देख सकते हैं ये स्किन कलर होता है, उसका हम यूज करेंगे। हल्का सा इसमें हम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा यूज करना है क्योंकि इसमें फेस कलर नहीं दिया हुआ है। हल्का सा हम कहीं कहीं यूज करेंगे। अब हम राजकुमारी में कलर करेंगे। यहाँ पे हम रेड साड़ी बनाएंगे, देख सकते। देख सकते हैं हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ये आपका पूरी तरह से फ्रेमिंग के लिए तैयार है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।